निमकी मुखिया में आज डब्लो भैया के हाथ लगी है बड़ी रकम और इसी बात को लेकर बब्बू आए हैं अपनी अम्मा के पास, क्योंकि अम्मा और बब्बू दोनों को ही नहीं है डब्लो की बात पर भरोसा। अम्मा कहा डब्लो भैया का ससुराल वाला लोग उनको इतना पैसा देगा का? तभी वहां आते हैं डब्लू भैया, जो मिले हुए पैसे से नए नए ख्वाब बुन रहे हैं और बब्बू और अम्मा के सामने वो अपनी फरमाइश रखते हैं। सभी बातों के बीच अनारों के पास आती है रेखा भाभी निमकी की शिकायत लेकर, और रेखा की बात सुनकर अनारों को आता है बेहद गुस्सा। सासू जी चलिए देखिए क्या हो रहा है आपके राज में, क्या हुआ? उन्हीं की अपना खास तो ना बता, तुम है ना, उन्हें क्या ही हमें देखिए अंदर ही जानते हैं पूरे ड्रामा के बारे में। रेखा के मामा जी हैं, तो उनका नाम बिनार सिंह है, तो ऐसा हमको फंसा रहे हैं, तो उसी के बारे में बातचीत हो रही है, बट एंड ऑफ द डे हमको पता चली जाएगा कि उन्होंने किससे पैसे लिए, तो उनकी वाट तो लगेगी, तो उसी के बारे में ही है जो सीन चल रहा है। वैसे बब्बू क्या लगता है आपको कि डब्लू भैया के पास इतने पैसे कहाँ से आए होंगे? बब्बू को तो अभी एक्चुअली बब्बू क्लूलेस है, देखा जाए तो यहाँ पे भी वो सिर्फ डॉट्स जोड़ रहा है अभी कि क्या ये वही नार सिंह है या ये जो बोल रहे हैं वो सच बात है, तो अभी थोड़ा सा क्लूलेस मुझे दिखाना है, बिकॉज अभी स्क्रिप्ट में ऐसे ही आया कि मेरे को नहीं पता है, बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो मुझे पता है, अभिषेक को पता है, बट बब्बू को अभी नहीं पता है, तो आने वाले 2-3 एपिसोड में आएगा सो पता चल जाएगा, उसके बाद फिर तो जो कन्फ्रंटेशन होगा भाई से तो वो अलग लेवल पे होगा, तो लेट्स सी। वेल, हम तो यही कहेंगे बब्बू कि आप चुपचाप बैठकर फिलहाल सिर्फ इंतजार कीजिए, क्योंकि सच खुद ब खुद सामने आ ही जाएगा।